हेलो दोस्तों, नमस्कार, वणक्कम, सत श्रीकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। रात को हम समस्तीपुर आ गए थे और रात के बाद सुबह उठने के बाद एक बड़ा कारनामा देखने को मिला मुझे, और वो ये था कि नाइट ड्रेस पहनकर रवि भैया सो रहे थे रात को। सुबह जब हम उठकर देख रहे हैं तो ये फुल शर्ट और फुल पैंट में मिले हमें। पैंट वही था, कपड़े चेंज थे। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, देखते हैं इनसे पूछकर। बताइए भैया, क्या कारण था कि रात आप एक पूरी रात मच्छर देखिए आँख चढ़ी चढ़ी है आँख चढ़ी चढ़ी। एक्चुअली में बात ये बउआ पाजी छोड़ो जी पाजी। हाँ जी, गल ये हुई रात बीच। हाँ जी, मच्छर मन काट काट दे फुला देना। हाँ जी, पूरी रात मच्छर काट रहे थे। 2 बज गया, 3 बज गया, कभी सोच रहा हूँ चादर लगा के बाहर सो जाता हूँ। हाँ जी, कभी लग रहा हूँ ऊपर चला जाऊँ, फिर देख रहा हूँ उधर कुर्सी रखी है, साला मच्छर जी नहीं नींद दे रहे। हाँ जी, सोचा कि मच्छरदानी के अंदर मच्छर घुस गया है, मच्छर को निकाल के फिर करता हूँ। फिर मच्छरदानी को तौलिया मार के मच्छर भगाया, फिर पता चला मच्छर जो है अंदर तब भी काट रहा है। फिर क्या किया कि अब तरकीब लगाना पड़ेगा, अपने आप कोई मच्छरदानी में पैक कर देना हुआ। फिर एक बार सोचा कि मच्छरदानी में लपेट के सोते हैं, फिर सोचा मच्छरदानी से तो थोड़ा थोड़ा होल है, फिर मच्छर काट लेगा। फिर क्या किए, शर्ट पहने। शर्ट से यहाँ तक बाजू खुला हुआ था, तो यहाँ तक इतनी दूर में काट के मुंह आ दे रहा था। हम कह रहे कि भाई पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा किए, यहाँ तक बंद किए। उसके बाद ये इतना कवर हो गया, इधर मच्छर नहीं लग रहा है, अब इधर लग रहा है, मतलब यहाँ तक निकल पाएंगे। सो गए थे शॉर्ट्स, अब इतनी देर मच्छर काट के फुला दे रहा है। फिर दिमाग खराब हुआ तो पैंट पहन लिए, उसके अंदर 5 गो मच्छर का मर्डर भी हो गया। पैजामा पहने, इसके बाद यहाँ तक कवर हो गया पैजामा से, अब इतनी दूर में काट रहा है, एकदम दिमाग खराब है, मतलब काट काट के मुँह आ दे रहा है लग रहा है। और ऐसे करके कैसी तरीके से सो गए। अच्छा, शॉर्ट्स पहनने के बाद फिर आपने यहाँ तक फिर से दूसरा पहना पैर रखने के लिए? ना, पूरा पैंट यहाँ तक पहना। अच्छा, फिर इतना काट रहा था उसमें शॉर्ट्स पहन लिया। उसमें शॉर्ट्स पहन लिया, मतलब 2 पैंट पहन लिए। एक में पूरा पैर कवर हुआ यहाँ से टांग एड़ी तक, और एक में सिर्फ और सिर्फ एड़ी, समझिए पूरा एकदम। अच्छा, और बताइए फिर उसके बाद शॉर्ट्स पहनने के बाद आप छत पे भी जाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ पाजी, छत पे गया लेकिन सीढ़ी नहीं मिली, फिर वापस आ गया। मतलब समझिए कि हर एक तरकीब लगा के सोचा, एक बार गाड़ी लेकर गाड़ी में चला जाता हूँ, सो जाता हूँ। फिर सोचा नीचे का दरवाजा बंद होगा कैसे, सब सोचेंगे क्या कर रहे हैं। फिर गाड़ी में गर्मी लगेगी, फिर सोचा एसी चला लूँगा, फिर सब देखेगा कि रात में गाड़ी चला कौन रहा है, पूरी रात चल रही है। फिर सोचा बाहर सो जाता हूँ, तो बाहर अब सोचा कि जो निकलेंगे कहीं कौन सा पागल आ गया रात में पड़ा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह, तो इसीलिए यहीं पर फिर तरकीब लगा के किसी तरीके से सोया। पैंट में तो मच्छरों का मर्डर हो गया, खून लग गया 4-5 तरफ। ये एक दो तीन चार मच्छर, चार वाइट पैंट था, तो समझिए उसमें भी दिख रहा है कि हाँ कितना मच्छर परेशान किया। अभी 2 दिन बाद दिखेगा कहाँ कहाँ काटा हुआ। नींद पूरी हुई? नींद नहीं पूरी हुई, 8 में है नींद भरी भरी। अब सोना है? लेकिन सोने नहीं देंगे, काम सोने, हमको सोने नहीं देंगे, सोने हमको सोने। कुल मिला के भाजी के नाल बहुत नाइंसाफी हुई है। हम युवराज भाजी के घर पे हैं समस्तीपुर में, और यहाँ पे मच्छरदानी लगाई उन्होंने बकायदा, बहुत खिड़की खुड़की खोली, पंखा वंखा चलाया। मच्छरदानी में लगाने के बाद लाइट भी बंद कर दी कि मच्छरों को हम दिखेंगे नहीं तो काटेंगे नहीं, पर फिर भी मच्छर बहुत समझदार थे। मुझे तो नहीं काटा, पर इनको बहुत इनको पेल कर काटा है मच्छरों ने। विशाल भाजी को भी काटा है, खैर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मच्छरदानी तो लगाया था पर वो बाहर ही रहे, अरे अंदर ही आ गए। अब अंदर से बाहर जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिला था। खैर वैसे अच्छा है, पहले घर में मैं भी ऐसे ही करता था, सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी कभी कभी, फिर ऐसे ही कहीं मच्छरदानी लगा कर नीचे ऐसे ही सोया करते थे। खैर जाने दीजिए, रात मज़ा बहुत आया। सुबह जब उठकर इनके किस्से सुने तो ज़्यादा हंसी आई।
अभी इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।